हाँ भाई बोलो, क्या क्या परेशानियां हैं बोलो। ओमकार कदम एंड बाकी क्या दिक्कत है? हाँ भैया, जो अभी सेकंड बैच के हैं ना, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो सेकंड बैच से आए हैं ना, व्हाट दे कैन डू, अभी आप थोड़े दिन अंकित सर का क्लास अटेंड करो इवनिंग में। आपको अभी के टाइम पे अटेंड करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू अटेंड दिस क्लास, ठीक है? जो मेरे साथ पहले से पढ़ रहे थे वो कंटिन्यू करो, और जो नहीं पढ़ रहे थे वो अंकित सर उनका, हाँ यस यू कैन लीव। जो लोग अंकित सर से पढ़ रहे थे वो अंकित सर उनको कंटिन्यू करेंगे अभी इवनिंग के टाइम पे, जब तक ये चैप्टर खत्म नहीं होता है, ठीक है? एंड जो लोग पढ़ रहे थे मेरे से वो आज कंटिन्यू करेंगे। बोलो क्या पढ़ना है आगे, कहां तक पढ़ा था हमने, कहां तक पढ़ा था बोलो। एस्टर, एस्टर पढ़ लिया था ना, एस्टर। इस वीक में ये चैप्टर खत्म करना है, ठीक है? इस वीक में ये चैप्टर खत्म करना है हमें। चलो वाइवा कब से? हाँ वाइवा है ना, वाइवा है, पेरेंट्स के साथ है, आएगा इंफॉर्मेशन, आएगा आपको जल्दी आएगा, टेंशन मत लो, वाइवा है। चलो अभी ना थोड़े 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 क्वेश्चंस करते हैं। मैं आपको थोड़े क्वेश्चंस देता हूं, आप उनके नॉमेनक्लेचर लिखोगे, उनका नाम लिखोगे आप। चलो एकेडमी शुरू होने वाली है तो पेरेंट्स कैसे होंगे? वो लाइव होंगे, लाइव, दे विल बी लाइव, आपकी बैटिंग लाइव देखेंगे वो, परफॉर्मेंस आपकी लाइव देखेंगे। एकेडमी शुरू होने वाली है ना, जल्दी ही शुरू होने वाली। चलो आप नॉमेनक्लेचर करो अभी, बातें बंद काम चालू, एकदम सिंपल है नॉमेनक्लेचर, फटाफट करो। जल्दी होने वाला है, वेरी वेरी सून, जब भी होगा आपको बता दिया जाएगा, और आपको उससे पहले एक दो दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी, दो तीन दिन की, कुछ तो छुट्टियां मिलेंगी तुमको, है ना? तुम थोड़ा मौज मस्ती कर लो, घूम फिर लो। हाँ मिलेगी मिलेगी, टेंशन मत लो, सब मिलेगा। अरे यार तुम अभी इतने सवाल पूछोगे तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू आंसर ऑल दिस थिंग। थोड़ा समय लगेगा ना, अभी क्लियर हो रही है चीजें, अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन नहीं है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम आपको बता देंगे कि आपकी 2 3 दिन 4 दिन के बाद आप रिपोर्ट करो, ये सारी बातें होंगी। अभी लिखो और सॉल्व करो।
चलो ये सात मॉलिक्यूल्स हैं, इनका नाम लिखो और डन करो। नेट इश्यू है ना। हाँ, क्रैश कोर्स क्या होता है? क्रैश कोर्स मतलब ऐसे थोड़े से समय में फटाफट खत्म करने वाली चीजें। ऐसे जैसे आपने सब कुछ पढ़ के रखा है, टेंथ जैसे आपने पढ़ के रखा है, 10-15 दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज कर देना, उसको क्रैश कोर्स बोलते हैं। चलो ये क्वेश्चन सारे सॉल्व करो और डन करना, फिर इसका नाम देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या हमारा क्लास खत्म होता है इस टाइम पर? नहीं समझा मैं, हमारा क्लास खत्म होता है इस टाइम पर? शांतनु क्या बोल रहा है तू? कौन सा क्लास? मतलब क्या, कौन सा क्लास खत्म हो? अच्छा, क्लास खत्म हो जाता था पहले क्या? ओल्ड टाइम टेबल में। अच्छा ठीक है, अभी 11:15, 1:15 तक है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है?
एमई मतलब मिथेन, ईटी मतलब इथिल, मिथिल और इथिल, यस, एमई मतलब मिथिल, ईटी मतलब इथिल, सही बात है। पीआर मतलब प्रोपिल, बीयू मतलब ब्यूटिल, ये भी पता होना चाहिए आपको। एमई का मतलब होता है मिथिल। ईटी मतलब इथिल, दो कार्बन इथिल। पीआर मतलब प्रोपिल, बीयू मतलब ब्यूटिल, एंड सो ऑन। यही चार दिखाया जाता है, फिर पेंटिल वेंटिल नहीं लिखा जाता। ये चार चीज आपको दिखेगा कभी भी, एमई, ईटी, पीआर, बीयू, ठीक है ना? ये चार चीजें दिखेंगी आपको। हो जाएगा तो डन करना। प्रतीक डन, प्रणव डन, गुड। बाकी लोग भी करो। बाकी लोग भी डन करो। करें, स्टार्ट करें, बोलो स्टार्ट करें। यह है पहला क्वेश्चन, बताओ। सबसे पहले आप मुझे यह बताओ, विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। OH, परफेक्ट। प्रिंसिपल चेन अगर देखा जाए तो ए, बी और सी, कौन सा है प्रिंसिपल चेन? प्रिंसिपल चेन कौन सा है? बीसी? पक्का पक्का? बोला हां सर पक्का, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है,
सबसे पहले तो आपको इस कार्बन को इंक्लूड करना ही है, तो इंक्लूड करना है तो सी तो आएगा ही, ए भी नहीं आएगा, सी आएगा, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप तो इंक्लूड होना ही चाहिए। अच्छा नंबरिंग बता दो किधर से कर दे, नंबरिंग किधर से कर दे, सी से, वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां दो दो कार्बन है ना, 7, और यहां है 1-2-, ये कंडेंस्ड फॉर्म हो गया है ना। कोई कुछ लोग बोल रहे थे सर कंडेंस्ड फॉर्म कंडेंस्ड फॉर्म, तो मैंने जानबूझ के एक दो कंडेंस्ड फॉर्म दे दिया कि ले लो कंडेंस्ड फॉर्म, तो इसका नाम हो जाएगा 3-प्रोपिल हेप्टेन 2-ऑल, आया है सबका ये 3-प्रोपिल हेप्टेन 2-ऑल। आ गया सबका, आ गया, बोलो, वेरी गुड, कोई परेशानी नहीं किसी को, बढ़े आगे, डाउट हो तो तुरंत डाउट बोलो, वेट मत करना, माइक ऑन करो और बोलो बिंदास, इसके लिए मैंने माइक ऑन करके रखा हुआ है। किसी को कोई भी कष्ट हो, कहीं परेशानी हो, तो तुरंत वेट नहीं करने का, ठीक है। चलो आते हैं दूसरे क्वेश्चन। चलो सेकेंड क्वेश्चन में मुझे ये बताओ विच वन इज द प्रिंसिपल चेन। अगर मैं इसको बोलो ए, इसको कहूं बी, यहां बी और सी दो आएंगे है ना। सबसे पहले इसका अगर आप इसको ऐसा देखें तो CH3 CH3 दो दो बार जुड़ा रहेगा है ना, इसको कह दो सी, इसको कह दो डी, तो विच वन इज द प्रिंसिपल चेन पहले ये बता दो मुझे। बीडी, पक्का बीडी, बीडी किसी ने कहा है, एडी, हाँ एडी होगा ना कि बीडी होगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप ये है तो ये तो इंक्लूड होना ही चाहिए। अब ये इंक्लूड होना चाहिए, अब आपके पास अलग अलग तरीके हैं, तो बोला सर इधर जाएंगे तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ जाएगा, देखो ना 1, 2, 3, 4, और बोला इधर जाओगे तो कम रहेगा, बोला लेकिन मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा मिलता है ना, मल्टीपल बॉन्ड, सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। नंबरिंग किधर से करोगे बता दो मुझे, नंबरिंग किधर से करोगे, डी से, यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसको कैसे लिखेंगे, बोला सर इसको ऐसा कर दो, सबसे पहले ना इसको दो बार CH3 लिख दो, झंझट खत्म है ना। अब नंबरिंग करते समय ये 1- है कि नहीं, ये 2-, ये 3-, और ये 4-, तो बोला अरे वाह 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 वाह, देखो ये साइड चेन में दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, मिथिल और इथिल, तो इसका नाम होगा 1-ethyl 3-methyl butyl, 1-ethyl 3-methyl butyl, ये है ना, 1-ethyl 3-methyl butyl, ये इसका नाम हो गया। तो इसका नाम कैसा हो जाएगा, सबसे पहले 3 पे ब्रैकेट के अंदर 1-ई, इथिल क्यों, इसके लिए दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, इथिल और मिथिल दो दो सब्स्टिट्यूएंट है ना, इथिल और मिथिल दो दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो 1-ethyl 3-methyl butyl, hex 5-ene 2-ol, आया है क्या किसी का बताओ, ये आंसर कोई लेके आया, क्या बात है क्या बात है।
थ्री मिथिल ब्यूटिल नहीं समझा, थ्री मिथिल देखो सबसे पहले साइड चेन, ये वन डैश हो गया, समझा रहा हूं ध्यान से साक्षी, वन डैश टू डैश थ्री डैश फोर डैश, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे, साइड चेन का लॉन्गेस्ट ये हुआ, और उसके बाद दो सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं, एक तो वन डैश पे इथिल है और थ्री डैश पे मिथिल है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, वन डैश इथिल थ्री डैश मिथिल एंड ब्यूटिल। साइड चेन में सबसे पहले लॉन्गेस्ट निकालो और उसके जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके आगे लिखो। साक्षी समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है? हम क्या करते हैं साइड चेन का, सबसे पहले साइड चेन का लॉन्गेस्ट, तो कितने कार्बन हो सकते हैं, अगर इधर गए तो एक दो तीन, इधर गए तो एक दो तीन चार, इधर गए तो एक दो तीन चार, तो बोला इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करो, तो साइड चेन में कितने ब्रांच है, ब्रांच में कितने ब्रांच है, बोलता है ब्रांच में दो ब्रांच है, कौन कौन से ब्रांच है, इथिल और मिथिल, तो वन डैश इथिल थ्री डैश मिथिल और ये चार कार्बन है इसीलिए ब्यूटिल, ये नाम हुआ मेरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, वन डैश इथिल थ्री डैश मिथिल ब्यूटिल, और ये कौन से पोजीशन पे, थर्ड पे, तो मेन चेन के थर्ड पे, तो थर्ड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, फिर हेक्स फाइव इन टू ऑल, क्लियर है सबको, बोलो साक्षी समझ में आ गया एकदम, कोई है जिसको नहीं समझा तो बोलो, डाउट है किसी का, एनी वन हैव एनी डाउट, जल्दी जल्दी जल्दी, डाउट है किसी को कुछ बोलो, बढ़े आगे आगे बढ़े, पक्का कोई डाउट नहीं, चलो वेरी गुड, Q3 वॉइस इज क्रैकिंग, चलो सबसे पहले मुझे यहां बता दो विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप बोला प्रिंसिपल चेन नहीं, SH, यस, एंड चलो SH मेन फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल चेन बोला सर विदाउट डाउट, विदाउट डाउट दिस वन, वन टू थ्री, यहां एच एक एक्स्ट्रा रहेगा छूट गया है ना, फोर फाइव, नहीं तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है कार्बन की, वन टू थ्री फोर फाइव, अच्छा नंबरिंग इधर से पक्का, इधर से ही करें, बी से करें या सी से करें, बी से करें या सी से करें बताओ, पक्का बी से, बोला सी से करेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, बोला प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें आएगा थर्ड, इधर से भी आ रहा है थर्ड, लेकिन डबल बॉन्ड को जब मेन फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो पा रहा तो डबल बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर होता है, तो डबल बॉन्ड डिसाइडिंग फैक्टर है तो डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए ना, क्योंकि इसको वन पे मिला, ये पहले थ्री, दोनों साइड से थ्री, अच्छा अगर ये इसके जगह SH होता यहां पर तो फिर किधर से नंबरिंग करते, अगर SH यहां होता तो नंबरिंग किधर से करते बोलो, C से करते फिर B से नहीं करते है ना, फिर मेन फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं देखते, क्योंकि यहां पर मेन फंक्शनल ग्रुप दोनों ही साइड से थ्री पे आ रहा है तो बोला मेन फंक्शनल ग्रुप डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो कौन डिसाइड करेगा, मल्टीपल बॉन्ड डिसाइड करेगा, क्लियर, अगर मल्टीपल बॉन्ड डिसाइड करेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू मिथिल पेंट वन इन, इन का ई रह जाएगा क्योंकि थ्री यहां पर आएगा थायोल और टी जो है वो कॉन्सोनेंट है तो ई रह जाएगा यहां पर है ना, बोलो ये कितनों का आया, ये कितनों का आया, जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट, वेरी गुड वेरी गुड, सही है यार तुम्हारा तो आने लग गया है सब कुछ, मोस्ट ऑफ लोगों का करेक्ट हो रहा है, मतलब मैंने पढ़ाना सीख लिया है, मुझे आता है पढ़ाने थोड़ा मोड़ा तो है ना, थोड़ा मोड़ा तो मैं पढ़ा लेता हूं, आप लोगों का सही हो रहा है इसका मतलब, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टू फोर, यहां कोई बताओ मुझे, यहां कोई बताओ मुझे, अब आएगा मजा,
विच वन इज द प्रिंसिपल चेन? प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है? चलो नाम दे देते हैं, ए बी सी डी। चार कार्बन, चार कार्बन, चार कार्बन। हाँ रंजीत ने बोला एसओ थ्री एच से एसओ थ्री एच, ए से डी बी से सी। नहीं बेटा नहीं, एकदम सही बोल रहे कुछ लोग, ये होगा ए से डी तक। क्यों? क्योंकि ये डॉन नहीं है ना, डॉन नहीं है तो जरूरी है कि यहां से लॉन्गेस्ट ढूंढोगे ना, लॉन्गेस्ट ढूंढोगे, लॉन्गेस्ट। और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। आप बोलेंगे सर मेन फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी इंक्लूडेड, तो बोलता है बेटा ये इंक्लूड होना मतलब द बोथ कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड, ये दोनों इंक्लूड हो गए। अब इंक्लूड होने के बाद इससे बड़ा चेन बन रहा है तो तुम बी से सी में क्यों रोक रहे हो? समझ रहे हो? बात समझ में आ रही है क्या? बोल रहा है ये डॉन फंक्शनल ग्रुप है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये कार्बन भी इंक्लूड होना चाहिए, ये कार्बन भी इंक्लूड होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर इंक्लूड ये दोनों होने चाहिए, तो ले लो ना ये दोनों को इंक्लूड कर लो। बोला लेकिन ऐसा क्यों करोगे आप? बोला ये भी इंक्लूड कर रहा है और ये भी तो इंक्लूड कर रहा है ना, ए से डी भी तो इंक्लूड कर रहा है, वो थोड़ी छोड़ रहा है। बात समझ में आ रही है? बोलो। डॉन होता तो फिर तो मुश्किल होता, डॉन होता तो यहां से कार्बन होता ना, फिर तो ये कार्बन इंक्लूड ही नहीं हो सकता था। अगर सी डबल बॉन्ड ओएच होता तो इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक आता तो फिक्स हो जाती चीजें। बोलो किसी को कोई तकलीफ जीवन में, कष्ट किसी के? बोलो हाँ, तो गलतियां कर बैठे ना। देखा सर, तो ए टू डी है ना? हाँ ए टू डी है, यस। देखो ये गाना, ये आपने गलतियां किया, ये देख के मुझे एक गाना याद आ रहा है, वो गाना था ना दिल गलती कर बैठा, कुछ तो है ना गाना दिल गलती कर बैठा करके, है ना? कौन सा गाना है बताओ? तो यहां से लेकर दिल गलती कर बैठा है। हाँ तो भैया आप क्या कर रहे हो, इसको देख के आपका दिल जो बोल रहा है कि भैया ये फंक्शनल ग्रुप है यहां से लेकर यहां तक लेके जाओ, तो वो गलती है। हाँ गलती से मिस्टेक नहीं करने का। तो ये हो गया ए से डी। अच्छा अब बता दो नंबरिंग किधर से करोगे, ए से या डी से? डी से। ओ हो, डी से करोगे? नहीं ए से करेंगे, क्योंकि आएगा 1 2 3 4 5 सिक्स एंड सेवन। अगर उल्टा करते तो 1 2 3 4 5 6, यहां से आता 3.6 उल्टा, अगर इधर से लेते तो, और ए से ले रहे हो तो 2.5, तो 2.5 सही है ना, 3.6 गलत होता ना, तो ए से नंबरिंग होगा। तो बहुत मिस्टेक हो गया तुम लोगों का। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? हेप्टेन 2.5 डाई सल्फोनिक एसिड, डाई सल्फोनिक एसिड है कि नहीं? बोलो कोई है जिसका ये आ गया था करेक्ट? क्या बात है, रजिया का करेक्ट आया, ओके सरविल का भी करेक्ट आया, वाह। एच कैपिटल, हाँ एच कैपिटल, सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ता हूं, गलती हो गई, नुपुर जी माफ कर दीजिए, रॉन्ग आ गया प्रणव का। रिपीट कर दो नंबरिंग, 1 मिनट।
वहां पर सीएल है ना, कहां पर सीएल है? अरे ईटी है, ईटी इथिल है, इथिल इथिल है। मुझे भी वैसे ही लगा कि सीएल है। ऐसा हो गया क्या? राइटिंग खराब है मेरी। हाँ राइटिंग खराब है। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया। कल्पेश, नंबरिंग देखो ना, दो दो तरीके हैं। सिंपल सी बात है, आप इधर से करो, ये एक कार्बन है CH3, और यहां क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH2CH3। अब आप ही नंबरिंग कर लो। अगर मैंने नंबरिंग किया है, मैंने नंबरिंग किया इधर से 1 2 3 4 5 6 और 7, तो आपके पास दो नंबरिंग है। व्हाइट से जो नंबरिंग है उसपे मेन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन क्या मिल रहा है, 3.6, और ग्रीन से आपको क्या मिल रहा है, ग्रीन से आपको क्या मिल रहा है, 2.5। तो लोवेस्ट सेट मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा होगा, 2.5। 3.6 गलत है, तो डी से नहीं कर सकते, आपको कहां से करना पड़ेगा, ए से। कल्पू, कल्पतरु बोलो भाई, कल्पेश भाई, कल्पतरु खांडेकर बोल, समझा क्या? ईटी में मुझे लगा CH3। अरे ईटी इथिल है भैया, क्या क्या लग रहा है तुमको, क्या क्या लग रहा है कल्पेश, इसको बोलते हैं CH3CH2। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट। और किसी का कोई प्रॉब्लम, किसी की कोई तकलीफ है, किसी को बोलो। ई ऐसे लिखो अगली बार, अच्छा ऐसे लिखूं, ई चलेगा चलेगा चलेगा, ठीक है। जो हुकुम मेरे आका, जो हुकुम सरविल आका, जो आप बोलोगे वो करूंगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बाद फिफ्थ ना, फोर्थ हो गया ना, हो गया ना, चलो ये फिफ्थ। अभी इसमें क्या लग रहा है आपको? हाँ ये भी अच्छा है, ए बी सी डी, विच वन? अच्छा प्रिंसिपल, मेन फंक्शनल ग्रुप बता दो, मेन फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कीटोन, वाह वेरी गुड, कीटोन वेरी गुड, कीटोन है भैया, एकदम परफेक्ट। तो कीटोन का कार्बन तो इंक्लूड रहेगा। प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन ए टू डी, हाँ ए टू डी। बोला बी वाला क्यों नहीं, बोला अरे छोटा है, डबल बॉन्ड है तो भी क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब आ गया परेशानी, अब आ गया परेशानी। नंबरिंग किधर से करे बोलो, नंबरिंग किधर से करे, डी से पक्का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है भैया, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, ये तो अभी तक लाइफ में नहीं आया था, है ना? क्या नाम देंगे इसका बोलो। ओए क्या हो गया, क्या हो गया, चलो इसे लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, तो आपने कहा सर ये हो गया आपका प्रिंसिपल चेन, नंबरिंग कहां से करोगे, तो नंबरिंग आपने कहा सर डी से करेंगे, डी से करेंगे ना नंबरिंग, सबने डी ने कहा ना। हाँ देखो देखो देखो, यहां हो गया लफड़ा, आपने एकदम सही दिमाग लगाया, बोला सर डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है और एक ही कार्बन है, तो इसका नाम होना चाहिए मिथी नाइल। कितने लोगों ने मिथी नाइल लिखा है, मिथी नाइल मिथी नाइल मिथी नाइल मिथी नाइल मिथी नाइल मिथी नाइल, बोला मिथी नाइल लिखा है ना, मिथी नाइल बहुत लोगों ने लिखा है,
तो भैया ये मिथिनाइल जो वर्ड है ये है गलत। बोला सर क्या पढ़ा रहे हो यार आप, अभी तक आप बोल रहे थे डबल बॉन्ड है तो इनाइल करो। बोला लेकिन लॉजिकली एक कार्बन है और डबल बॉन्ड होना, एक कार्बन है डबल बॉन्ड होना, तो इसको मिथिनाइल ना बोल के याद रख लेना, इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं मिथाइलीन ग्रुप, मिथाइल और उसमें इन। बाकी जगह पे सब जगह सेट होता है, आपने जो लॉजिक लगाया एकदम परफेक्ट लगाया, लेकिन मिथिनाइल ना बोल के इसको क्या बोलते हैं, मिथाइलीन ग्रुप बोलते हैं। याद रहेगा, बोलो याद रहेगा, इसको बोलते हैं मिथाइलीन ग्रुप, बस मिथाइल के केस में ऐसा रहता है, हाँ मिथाइलीन ग्रुप। तो इसका नाम हो जाएगा 5-मिथाइलीन, बस ये वाला याद रखना है आपको, 5-मिथाइलीन नॉन 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 यस नॉन 7-ईन-3-ओन, तो ये नाम है। और डेफिनेटली ये मिथाइलीन आपको नहीं पता होना चाहिए था, ये गलत करना लॉजिकल है, आपने ये भी निकाल लिया तो भी बहुत बड़ी बात है, बट यहां पर मैंने एक पॉइंट नोट करवा दिया, नोट करके लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको मिथिनाइल ग्रुप ना बोल के मिथाइलीन ग्रुप। फाइव मिथाइलीन सेवन नोना 7-ईन-3-ओन, परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी बढ़ते हैं आगे। इसका नाम बता दो, इथाइलीन नहीं होगा ना, होगा होगा होगा, वो भी बताऊंगा, वो कब होगा बताऊंगा मैं, आएगा आएगा, अभी अभी बस मिथिनाइल ना होके मिथाइलीन होता है। सर वाई नॉट ए टू सी, अच्छा पुराने क्वेश्चन में सवाल है कि ए टू सी क्यों नहीं है, एक मिनट रुको, ए टू सी क्यों नहीं है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो थर्ड नंबर मिल रहा है, और इधर से आओगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर मिलेगा, तो सबसे पहले नंबरिंग करते समय प्रायोरिटी होता है क्या, लोएस्ट नंबर फॉर मेन फंक्शनल ग्रुप। ज्ञानेश्वरी, अर्पित मुथा सौर प्रीवियस स्लाइड, अर्पित मुथा बंगाली बाबू सौर कॉर्बेन की बोलचेन, बोलो सौर, हाँ सौर सर बोला, अच्छा सौर लिख दिया, की बोलचेन मुथा, ये हो गया, बोलो यहां कुछ दिक्कत है, अर्पित कुछ प्रॉब्लम है, बोलो हाँ। चलो नंबरिंग क्लियर है, ज्ञानेश्वरी, ज्ञानेश्वरी जी हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। अर्पित काय रे, तुला मराठी पण येत नाही, काय म्हणतो हे दोषी, उसीचा काय चालू आहे अर्पित, सला यहां पर बता दो मुझे, ए बी सी आणि डी विच वन इज द प्रिंसिपल चेन, सीडी सीडी, परफेक्ट परफेक्ट, क्या बात है यार, क्या बात है, पकड़ लेते हो तुम लोग। ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, तो इसको इंक्लूड करना है तो डी तो होना ही चाहिए, और यहां आ गया सी डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो ये हो गया 1', ये हो गया 2', ये हो गया 3', ये हो गया 4', इसका नाम हो गया 1-methylbutyl, 1-methylbutyl। नंबरिंग किधर से करें, नंबरिंग किधर से करना चाहिए बोलो, डी से, यस। देखो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं सारा चीज तुमसे ही पूछ के कर रहा हूं,
मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, आप ध्यान देखो, मैं कर रहा हूं, लिख रहा हूं, लेकिन मैं किससे, हाँ प्रिंसिपल चेन कौन है, नंबरिंग किधर से करें, इसका नाम क्या है, सब तो मैं पूछ ही रहा हूं तुमसे, तो सब आंसर तू भी दे रहे हो, बट चलो इसका नाम क्या होगा, थ्री थर्ड पे पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट, तो ये आ जाएगा वन डैश एम कैपिटल होना चाहिए, बोला हाँ सर होना ही चाहिए, मिथिल ब्यूटिल ब्यूट, ब्यूट के बाद क्या लिखे बोलो, ब्यूट के बाद क्या लिखे, थ्री इन ई रहेगा या ड्रॉप कर दे, ई रहेगा या ड्रॉप कर दे, ई रखे या ड्रॉप करे, पेंटा होगा, हाँ बूटा तो नहीं होगा, पेंटा होगा, पेंटा पेंटा, ओ ये क्या हो रहा है यार, चलो अभी मैं उसको नहीं लूंगा, बस क्वेश्चन लेके नहीं आऊंगा वापस से, पेंट पेंटा नहीं, पेंट होगा, हाँ पेंट होगा, अच्छा ई रखे या ड्रॉप कर दे, ई रखे या ड्रॉप कर दे, थ्री इन का ई रखे या ड्रॉप कर दे, बोला ड्रॉप कर दो ना सर, कर दे क्या, बोला नहीं रखो, क्यों, क्योंकि वन पे सल्फोनिक एसिड से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर सल्फोनिक एसिड है तो आप तो ऐसा कर नहीं सकते हैं कि नहीं, ना? ये वन टू थ्री फोर और फाइव, ये वन डैश टू डैश थ्री डैश एंड फोर डैश, तो ये हो गया वन मिथिल ब्यूटिल, थ्री वन डैश मिथिल ब्यूटिल पेंट थ्री इन सल्फोनिक एसिड, चलो किसी को कोई तकलीफ है बोलो, पेंट आएगा, यस पेंट आएगा, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन, इसका नाम बताओ, विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप, NH2, यस अमाइन, वेरी गुड, प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन, प्रिंसिपल चेन AB, अच्छा मैंने बी ऐसा लिख दिया, ए बी सी, हाँ ए सी होगा, यस परफेक्ट, नंबरिंग, नंबरिंग किधर से, ए से, परफेक्ट, मेन फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए, एक दो तीन चार पांच और छह, तो आ गया थ्री इथिल हेक्सेन टू अमाइन, यहां का ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि अमाइन का अ जो है वो वॉवेल है कि नहीं, ठीक है, आगे बढ़ जाए, बोलो किसी को ये सात क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग बढ़ेंगे आगे फिर, एक बार थम्स अप कर दो सब लोग, एमई और ईटी वापस से बताओ, देखो कभी कभी ना CH3 ग्रुप को ना लिख के जय कुमार एमई लिखा रहता है, एमई का मतलब CH3 समझना, उसी तरह CH3 CH2 ना लिख के ईटी लिखा रहता है, ईटी तो आप समझ लेना ये C2H5 है, उसी तरह
CH3, CH2, CH2 को उन लोग PR लिखेंगे। ठीक है, उसी तरह BU भी लिखेंगे, ब्यूटिल। CH3, CH2, CH2, CH2 को BU भी लिखेंगे, ब्यूटिल। क्लियर है? जय जय कुमार, यस, बढ़ जाए आगे। चलो अभी एक और बताता हूं, एक एक कंसेप्ट आता है, ध्यान से सुनो। अभी तक जो हमने फंक्शनल ग्रुप देखा वो देखा अमाइन, अब एक और फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड कर रहा हूं, अमाइन ही है बट उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, ध्यान से सुनो। जैसे मेरे पास ऐसा रहता, यहां NH2 है, NH2 इज अमाइन, NH2 इज अमाइन, है ना। व्हेन व्हेन वन और बोथ हाइड्रोजन, वन और बोथ हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय अल्किल ग्रुप। अल्किल ग्रुप मतलब R, अल्किल ग्रुप इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, अमाइन नॉट अमाइड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। जैसे यहां पर एग्जाम्पल देख लो, 1, 2, 3, 4, यहां नाइट्रोजन है, यहां अगर CH3 आ गया तो इसका नाम होगा, ये हो गया सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। सिमिलरली अगर यहां पर ऐसा हो जाता तो ये भी सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, एक CH3 और एक C2H5, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। पहले ये लिख लो और डन करो, फिर बताता हूं सब्स्टिट्यूटेड अमाइड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। साक्षी एक बार रिफ्रेश करो, सही बात है, दोषी जो बोलता है वो सुनना चाहिए, ज्ञानी बाबा है वो दोषी। अब आ रहा है ना, देखो दोषी की बातों में ही असर है, आपने उसने बोला रिफ्रेश करो, तुमने किया और आ गया। देखो ज्ञानी नहीं अज्ञानी है, ऐसा ऐसा अपराध मत कर, दोषी बाबा के चरणों में ऐसा अपराध करेगा ना, वहीं से जला के भस्म कर देगा तेरे को। दोषी दिखा अपनी पावर, कर भस्म। अभी तो बाल भी छिला हुआ है उसके सर से, जो तो तेज निकल रहा है ना उससे तो बच नहीं पाएगा तू, समझ रहा है? बंगाली बाबा आश्रम खोल के रखा है उसने। नतीजा को समझने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस क्रैक हो रहा है। नतीजा छत पे जा पढ़ने के लिए, छत पे नेटवर्क आएगा तो ही होगा। दोषी बाबा के आश्रम में जाओ। अरे नहीं, दोषी बाबा के आश्रम में नहीं जाने का, जादू टोना कर देगा, है ना। दोषी बाबा के आश्रम में नहीं जाने का, उसके पावर से बस ऐसा उसके वर्ड्स आने चाहिए, उससे ठीक हो जाता है। चलो आगे बढ़ो, ये हो गया, लिख लिया सबने, डन करो डन करो। बातें ज्यादा होती है काम कम, तुम्हारे बैच में बातें ज्यादा काम कम। पता लगा दोषी राम रहीम के जैसा टाइम पास बाबा निकला तो फिर क्या करेंगे। दोषी ऐसा तो नहीं है ना, जमीन के अंदर ही गाड़ देगा लोगों को। अरे देखो हंस रही है, कोई तो हंस रही है, दोषी दोषी राम रहीम।
राम रहीम दोषी। अच्छा नाम भी आ गया, देखो चलो अभी इनका नाम कैसे देते हैं। अच्छा सीधा साधु है, अच्छा ठीक चलो इनका नाम कैसे देना है अब देखते हैं। लिख लिया ना भाई, सब लोगों ने लिख लिया ये बात, लिख लिया क्या? अरे कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो तुम लोग। हाँ ये कौन सी आवाज थी, गैस वैस निकल रहा है क्या है यार, कौन सा आवाज था ये? माइक ऑफ करो, तुम्हारा बंद करो माइक। ये कौन सा आवाज था, ये क्या है, ये क्या चल रहा है, क्लास है या क्या है, क्या बना दिया है तुम लोगों ने क्लास को। चलो इस ये लिख लिया सबने, ये जो फैसिलिटी है माइक ऑन करके उसका यूज करना है। दोषी टर्न ऑफ योर माइक, ए दोषी नहीं था उसमें, इसे दूसरे का दोषी को हर चीज में दोषी कसूरवार है, ये गलत बात है। यू यू कैन नॉट टारगेट दोषी फॉर एवरीथिंग। चलो नेक्स्ट। अभी अभी है कि सवाल ये है कि सर इसका नाम कैसे दे, तो बोलता है देखो ध्यान से सुनो, अब बस बातें खत्म, बातें खत्म, अब आ जाओ फोकस, कम बैक कम बैक। बोलता है इनका नाम कैसे देंगे, सबसे पहले प्रिंसिपल चेन निकालना है। देखो ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड अमाइड है, ज्यादा टेंशन मत लो, देखो इसमें एकदम सिंपल आएगा। दोषी डिस्क्लेमर तो याद है ना तेरे को, यहां जो भी बातें हो रही है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए हो रहा है, किसी भी जीवित या मृत्यु से इसका कोई लेना देना नहीं है ना, और अगर किसी भावनाओं को आहत पहुंचता है तो उसके लिए चैनल जिम्मेदार नहीं है। अरे बैक बेंचर है क्या, तब तो कोई बात नहीं, तब तो मजा है, तब तो मजा है। फिर बैक बेंचर वाले लोग बस, फिर जीवन जीवन में कोई आनंद ही आनंद है फिर जीवन में। चलो ये हो गया, देखो रूट वर्ड हो गया ब्यूट है ना, तो बोला सर ये जो सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है उसको कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना, जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसके आगे लगाते हैं एन, एन एन मतलब नाइट्रोजन से कनेक्टेड, एन लिख देंगे मिथिल, एन मिथिल ब्यूटेन अमाइन है ना, एन मिथिल ब्यूटेन अमाइन। ये कहां कनेक्टेड है, सब्स्टिट्यूएंट तो है, सब्स्टिट्यूट तो कर रहा है लेकिन किस जगह पे कर रहा है, नाइट्रोजन पे, ये किसी चेन पे नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होगा, एन मिथिल ब्यूटेन अमाइन। सिमिलर सिमिलर, अगर ये होता वन टू थ्री फोर तो ये आ जाता एन इथिल, इथिल है नाइट्रोजन पे कनेक्टेड, एन इथिल ब्यूटेन, ई ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि अमाइन है। बोला सर अगर दो दो होते तो क्या, CH3 भी होता और CH2CH3 भी होता। बोलता कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले एन इथिल को लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, एन इथिल एन मिथिल ब्यूटेन अमाइन। बात समझ में आ रही है क्या, बोलो, एकदम सिंपल है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहां डालना है, एन में डालना है, बस बात खत्म। एन पे नाइट्रोजन पे मिथिल है तो एन मिथिल लिख देंगे, नाइट्रोजन पे इथिल और मिथिल दोनों है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों को लिख देंगे, अगर केवल इथिल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन इथिल ब्यूटेनामाइन हो जाएगा। बोलो क्लियर, जल्दी जल्दी बताओ फास्ट। और
कुछ क्वेश्चंस कर ले इस पे। एक मिनट रुकना, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है। चलो कुछ क्वेश्चंस लिख लो। चलो क्या बोल रहे हो, फिजिकल केमिस्ट्री का क्लास कैंसिल हो गया क्या? क्यों क्लास कैंसिल हो गया? वो तो था ना आपका, पहले ही था ना क्लास, वो तो 8 बजे से क्लास। तुमको नया स्केड्यूल आया है ना ग्रुप में यार, हो गया मतलब एक्स्ट्रा क्लास था क्या कुछ इससे पहले का क्लास? ओके ठीक है, चलो ये 5 क्वेश्चंस करो और डन लिखो। ये 5 क्वेश्चंस करो, आपको सब्स्टिट्यूटेड अमाइड आ जाएगा।
तन शांतनु का हो गया। बाकी लोग भी करो, डन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट करें, हो गया सबका? जल्दी जल्दी करो, बाकी लोग डन करो। बाकी लोग डन करो। जल्दी करो यार, खत्म करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट, क्या बोलते हो, करें? अभी भी सबका नहीं आया है। पहले का क्या बोलोगे आप? सबसे पहले प्रिंसिपल चेन ढूंढो, जो लॉन्गेस्ट होगा वो प्रिंसिपल चेन। कौन सा प्रिंसिपल चेन है? अगर अगर मैं बोलूं ए, ये बी और ये सी, तो प्रिंसिपल चेन कौन सा पार्ट रहेगा? नाइट्रोजन के कौन से वाला पार्ट जो होगा वो प्रिंसिपल चेन होगा? तो बोला सर जो लॉन्गेस्ट रहेगा, तो ये वन, ये टू और ये थ्री, ये पार्ट लॉन्गेस्ट रहेगा। तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट हैं, कौन से? नाइट्रोजन पे दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसका नाम होगा एन इथिल। ए टू सी नहीं, बस यहां से इसको डी बोल दो, ए टू डी, एन इथिल। नाइट्रोजन बीच में नहीं आ सकता है ना चेन के, नाइट्रोजन नहीं आ सकता है। एन इथिल, एन पे एक इथिल है, एन पे एक मिथिल है, एन इथिल एन मिथिल, एन इथिल एन मिथिल, प्रोपेन प्रोपेन अमाइन, है ना? बोलो आया क्या ये सबका? ये क्लियर हुआ? सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट चेन कहां हुआ? डी से ए तक। अब नंबरिंग किधर से करेंगे? डी से करेंगे। क्यों नंबरिंग डी से करेंगे? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है वो मेरा सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। चलो मुझे बता दो सेकंड में ए बी सी डी प्रिंसिपल चेन कौन सा है, ये बता दो मुझे, विच वन इज द प्रिंसिपल चेन?
ए टू सी, परफेक्ट, ए टू सी प्रिंसिपल चेन है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग मेन फंक्शनल ग्रुप, तो मेन फंक्शनल ग्रुप कंटेन करने वाला एटम भी है, तो लॉन्गेस्ट कौन है? ए टू सी। सर फर्स्ट रिपीट करो, फर्स्ट रिपीट करो। देखो सबसे पहले आप क्या करो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एनएच टू जो होता है आपका अमाइन ग्रुप है, हाइड्रोजन हटके आपको दिख रहा है दो तीन ग्रुप है जुड़े हुए, है ना, तो उनमें से जो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन जो होगा चेन ऑफ प्रिंसिपल चेन कहलाएगा। तो ये मेरा प्रिंसिपल चेन हुआ, ये प्रिंसिपल चेन हुआ, और ये दो सब्स्टिट्यूएंट हुए, कौन से दो सब्स्टिट्यूएंट हुए, एन पे इथिल, एन पे मिथिल, और तीन कार्बन होने के कारण प्रोप टाइप ऑफ बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एन, और लास्ट में अमाइन, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेड अमाइन है, और सब्स्टिट्यूटेड कहां पर है, नाइट्रोजन पे, तो नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिख दिया, एन इथिल, एन मिथिल, प्रोपेन अमाइन, है कि नहीं। सिमिलरली अगर मैं सेकंड क्वेश्चन में देखूं तो लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम ए टू सी है ना, और यहां पर केवल एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम है इथिल। अच्छा नंबरिंग कहां से करना चाहिए बोलो, ए से या सी से? बोला सर किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट मेन प्रिंसिपल चेन को जो नंबर मिलने वाला है वो एग्जैक्टली सेम मिलने वाला है, किधर से भी ले लो, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, एन इथिल पेंटेनामाइन, पेंटेन अमाइन, एन इथिल पेंटेन अमाइन, है ना, एन इथिल पेंटेन अमाइन। अब चलो मुझे यहां बता दो, ए बी सी, ये भी एक है और ये भी एक कार्बन है, डी, हाँ पेंटेन थ्री अमाइन, परफेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक, पेंटेन थ्री अमाइन होगा भाई, एकदम सही बोला, एकदम सही बोला, थर्ड पोजीशन छूट गया ना हमारा, पेंटेन थ्री अमाइन, अगर पोजीशन नहीं दिया तो वन होता है तो वो गलत हो जाएगा ना, थ्री अमाइन होगा। चलो यहां पर प्रिंसिपल चेन कौन सा है ये बता दो मुझे, क्वेश्चन नंबर थ्री पे प्रिंसिपल चेन कौन सा है, ए टू बी, परफेक्ट, ए टू बी, नंबरिंग किधर से करना चाहिए, नंबरिंग किधर से करना चाहिए, बी से, परफेक्ट, एकदम सही जा रहे हो, वन टू थ्री फोर एंड फाइव। अच्छा सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, ये कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, एक ही कार्बन है तो ये हो गया मिथिल, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरोमिथिल, क्लोरो मिथिल, तो अब इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं हम लोग, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, इसका नाम क्या होगा, एन 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 क्लोरोमिथिल, पहले कौन आएगा, मिथिल और क्लोरोमिथिल में एन क्लोरोमिथिल पहले आएगा, फिर कौन आएगा, एन मिथिल आएगा, फिर कौन आएगा, पेंट पेंटेन टू अमाइन, बोलो क्लियर है, ये क्या आया सबका, एन क्लोरोमिथिल, एन मिथिल, पेंटेन टू अमाइन, बोलिए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, किसी को कोई दिक्कत, वन टू थ्री में कोई परेशानी तो बोलो, किसी को कोई परेशानी, जल्दी बोलो, कोई परेशानी नहीं, सब क्लियर। चलो अभी इसमें वन टू थ्री फोर है ना, तो ये कैसे आएगा, देखो एन इथिल एन मिथिल और ये हो गया एन इथिल, उसके बाद एन, अच्छा एन इथिल मिथिल नहीं है, दो ही बार सेम है ना, एन एन डाई मिथिल लिखना पड़ेगा, एन कॉमा एन,
डाई इथिल, क्योंकि दो दो बार इथिल है ना, 1 2 1 2 एन एन डाई इथिल, 2 मिथिल, 2 मिथिल, ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन अमाइन। क्लियर है, समझ में आया? इसको कैसे देंगे? 1 2 3 4। अब ये इथिल इथिल फिर से आएगा, एन कॉमा एन डाई इथिल ब्यूटेनामाइन, ब्यूटेन टू अमाइन। बोलिए, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? बोलो, जल्दी बोलो, फास्ट। क्लियर है सबको? एक बार क्लियर है तो थम्स अप करो। समझ में आ गया सब्स्टिट्यूटेड अमाइन क्या करना है? डाउट है तो डाउट बोलो, आपके जिसके डाउट्स है वो डाउट्स बोलो। अरे आपका क्लास कब तक है? ये टाइमिंग ऐसा कैसे हो गया? 12:15 से 1:15 तक था ना, तो ये कैसे 1:37 कैसे पहुंच गया? हाँ, ये कैसे गड़बड़ हुआ? अरे 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 अरे, ये तो बड़ा मिस्टेक हो गया। चलो ठीक है, आज का क्लास बंद करते हैं, दूसरा क्लास भी है तुम्हारा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक नहीं, ये उन्होंने जो अरेंज किया उन्होंने गलत किया। सब खत्म हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे लूट गया, बर्बाद हो गया, आज ज्यादा क्लास हो गया तो सब खत्म हो गया सर। चलो जाओ, दूसरे क्लास में जाओ, ठीक है।